हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्लीपी क्लासेस में। आज की प्रीमिक्स में पांच क्वेश्चन डिस्कस करेंगे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से जुड़े हुए। राइट, सो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस आर करेक्टली मैच्ड विद देयर लीडर्स। तो तीन ऑप्शंस है आपके सामने, इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस एम जी रेनाडे, द इंडियन लीग सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, इंडियन नेशनल एसोसिएशन शिशिर कुमार घोष। तो आपको बताना है इनमें से कौन सी करेक्टली मैच्ड है और कौन सी नहीं। ऑप्शन है वन एंड टू, थ्री ओनली, वन ओनली, या फिर टू एंड थ्री। आप पॉज कर सकते हैं, ट्राई टू रिमेम्बर, दिमाग पे जोर डालिए, कोशिश करिए याद करने की। बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। आंसर इसका डिस्कस करते हैं, आंसर है सी, वन ओनली। जो टू और थ्री हैं वो स्वॉप कर दी गई हैं। इंडियन लीग शुरू करी थी शिशिर कुमार घोष ने, और इंडियन एसोसिएशन ऑफ कैलकटा, जिसको इंडियन नेशनल एसोसिएशन भी कहते थे, ये शुरू करी थी सुरेंद्रनाथ बैनर्जी और आनंद मोहन बोस ने। और इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस जो है वो शुरू करी थी एम जी रनाड़े और रघुनाथ राव ने। तो ये इम्पोर्टेंट कॉन्फ्रेंसेज हैं, इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इम्पोर्टेंट लोग हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप ये याद रखेंगे प्रीलिम्स एग्जाम तक जाते जाते। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसएनडीपी मूवमेंट के बारे में आपके सामने दो स्टेटमेंट्स हैं, तीन स्टेटमेंट्स हैं, आपको बतानी है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही या गलत है। तो एसएनडीपी मूवमेंट वॉज एन एग्जाम्पल ऑफ रीजनल मूवमेंट बॉर्न आउट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन दी डिप्रेस्ड क्लासेस एंड अपर कास्ट, पहली स्टेटमेंट। दूसरी स्टेटमेंट है, स्टार्टेड बाय श्री नारायण गुरुस्वामी अमंग द इजावास ऑफ केरला, जो एक बैकवर्ड कास्ट थी टॉडी टैपर्स की, और इनको अनटचेबल्स माना जाता था। तीसरी स्टेटमेंट है कि दे कंस्टिट्यूटेड 26% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ केरला। तो आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट्स इनमें से सही हैं, वन एंड टू, टू एंड थ्री, वन एंड थ्री, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो आंसर है ऑल ऑफ द अबव, तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं। राइट, डिप्रेस क्लासेस और अपर कास्ट के बीच में ये लड़ाई शुरू हुई थी, एसएनडीपी मूवमेंट। श्री नारायण गुरु स्वामी लीड कर रहे थे इजावाज ऑफ केरला की ये मूवमेंट। 26% पॉपुलेशन कंप्राइज करते थे इजावाज। तो क्या था, नारायण गुरु जो थे, श्री नारायण गुरु जो थे, खुद इजावा कास्ट से बिलोंग करते थे। उन्होंने एक पत्थर लिया नेयर रिवर से और उसको इंस्टॉल कर दिया एज अ शिवलिंग एट दी अरुविपुरम ऑन शिवरात्रि इन 1888। तो इसको अरुविपुरम मूवमेंट भी कहते हैं बिकॉज ऑफ द सेम रीजन। राइट, तो श्री नारायण गुरु ही हेल्ड ऑल रिलीजन्स टू बी द सेम, कंडेम्ड एनिमल सेक्रीफाइस एंड स्पोक अगेंस्ट द डिवाइसिवनेस ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रेस और क्रीड। तो बेसिकली उन्होंने कहा कि जो पूजा करना है, प्रार्थना करना है, कॉन्सक्रेशन ऑफ एन आइडियल है, वो किसी भी हायर कास्ट की मोनोपोली नहीं है। छोटी, सो कॉल्ड छोटी जाति के लोग भी भगवान को वर्शिप कर सकते हैं। राइट, तो ये थी एसएनडीपी की मूवमेंट के बारे में छोटी सी कहानी। अगला क्वेश्चन आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है कि कौन पहले एस्टैब्लिश हुआ, कौन बाद में। कैलकटा मदरसा, फोर्ट विलियम कॉलेज और संस्कृत कॉलेज बनारस। ऑप्शंस है आपके सामने ये चार, आप पॉज करके सोच सकते हैं, याद करने की कोशिश कर सकते हैं कि कौन सी पहले स्टैब्लिश हुई थी, कौन सी बाद में। आंसर डिस्कस करेंगे अब, इसका आंसर है 132। कैलकटा मदरसा 1781 में स्टैब्लिश हुआ, संस्कृत कॉलेज 1791 में स्टैब्लिश हुआ बनारस में बाय जोनाथन डंकन। कैलकटा मदरसा वॉरन हेस्टिंग्स ने किया था 1781 में। फोर्ट विलियम कॉलेज वेलेसली ने सेटअप किया 1800 में सिविल सर्वेंट्स ट्रेन करने के लिए, बट ये 1802 में ही बंद कर दिया गया। राइट, ये था तीसरा सवाल। फोर्थ क्वेश्चन आज का देखते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के कॉन्टेक्स्ट में दो स्टेटमेंट्स हैं। पहली, हिंदू महासभा और नेशनल लिबरल फाउंडेशन जो थी, इन्होंने सपोर्ट किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 एक्ट को। दूसरी स्टेटमेंट है, ये एज अ रिजल्ट ऑफ थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के डिस्कशंस के बाद आया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो आपको बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है। तो आंसर डिस्कस करेंगे, आंसर है सी, दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं। कांग्रेस ने अपोज किया था,
बट हिंदू महासभा और नेशनल लिबरल फाउंडेशन जो थी, इन्होंने सेंट्रल एज वेल एज प्रोविंशियल लेवल पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को सपोर्ट किया था. और थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के डिस्कशंस के बाद जो भी रिजल्टेंट उसका निचोड़ निकला, वो एक तरीके से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 था. राइट, मूविंग ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन आज का, वुड्स डिस्पैच 1854 के बारे में. इट रिप्यूडिएटेड द डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. इट लेड स्ट्रेस ऑन फीमेल एंड वोकेशनल एजुकेशन एंड ऑन टीचर्स ट्रेनिंग. तो आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है. राइट, आंसर डिस्कस करते हैं. कोई भी स्टेटमेंट इनकरेक्ट नहीं है, नीदर वन नॉट टू, तो दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं. तो सबसे पहली, तो वुड्स डिस्पैच ने डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी को रिप्यूडिएट किया और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कहा कि आप जिम्मेदारी उठाइए मासेस को एडुकेट करने की. दूसरी, एक हायरार्की एस्टैब्लिश करी इन्होंने, वर्नैक्युलर स्कूल्स एट द विलेजेस, एंग्लो वर्नैक्युलर हाई स्कूल्स, अफिलिएटेड कॉलेजेस डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, और फिर यूनिवर्सिटीज प्रेजिडेंसी टाउन्स में. फिर इंग्लिश एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन हायर स्टडीज के लिए, और स्कूल लेवल के लिए विलेजेस में वर्नैक्युलर. फीमेल और वोकेशनल एजुकेशन और टीचर्स ट्रेनिंग के ऊपर भी स्ट्रेस दिया, और एक ग्रांट्स एंड एड सिस्टम एस्टैब्लिश किया प्राइवेट एंटरप्राइज को एंकरेज करने के लिए. राइट, तो ये थे वुड्स डिस्पैच के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. आज के प्रीमिक्स में यही 5 क्वेश्चंस. मिलेंगे आपसे अगले वीक के प्रीमिक्स में. तब तक के लिए थैंक यू एंड कीप वॉचिंग.